तो भाई स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो भाई कल मैच है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, एशिया कप का जो मैच है 2 सितंबर को खेला जाने वाला है ये कल मैच। और जिस तरह की तैयारी चल रही है, पेस अटैक की बात करने वाले हैं इस वीडियो में हम, जो कि दोनों ही टीम्स की काफ़ी अच्छी है। कुछ लोग बोलेंगे पाकिस्तान की अच्छी है, कुछ लोग बोलेंगे इंडिया की अच्छी है, बट आप भी जानते हैं पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है उनकी पेस अटैक। इंडिया की, देखिए मैं ये मानता हूँ कि अंडररेटेड है थोड़ी सी इंडिया की। आप हर जगह ये बात चल रही है कि पाकिस्तान का पेस अटैक ये वो, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्पीड। नहीं तो इंडिया का पेस अटैक भी माड़ा नहीं है भाई। अगर आप फास्ट बॉलिंग की बात करते हैं तो पेस तो मैटर थोड़ी हल्की हल्की करती है, बट ये नहीं कि खाली पेस ही मैटर करती है। आपने उमरान मलिक को देखा है, ठीक है, उनकी सॉरी मैं ऐसे बोलना नहीं चाहूंगा, बट मैं उनकी पेस है, उनके पास पूरी लाइन ऑफ लेंथ नहीं है उनके पास जी। तो थोड़ी पेस के साथ आपको लाइन ऑफ लेंथ भी चाहिए होती है एक प्रॉपर मतलब बॉलर के लिए जी। एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है और पेस, सिर्फ पेस से कुछ नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान के हारिस रऊफ देख लीजिए, नसीम शाह पेस भी अच्छी लाइन ऑफ लेंथ पर बॉल डालते हैं। देखिए अगर हम कंपैरिजन करें बुमराह का और शाहीन का, कुछ लोग बोलेंगे शाहीन बेटर बॉलर हैं, कुछ लोग बोलेंगे बुमराह, लेकिन दोनों अच्छे बॉलर हैं। वहीं मैं बोलूँ अगर आप नसीम शाह का और सिराज का कंपैरिजन करते हैं तो वो भी 19-21 हो सकता है, 19-20 हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों, आई थिंक सिराज इस समय बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन दोनों अच्छे बॉलर्स हैं। फिर हम बात करते हैं जो तीसरे बॉलर, बताइए आप उनके बारे में। आपके तीसरे जो हारिस रऊफ और आपके साथ में शमी आ गए जी, दोनों अच्छे बॉलर हैं, बट हारिस रऊफ की स्पीड थोड़ी ज्यादा है जिस वजह से शमी की लाइन ऑफ लेंथ ज्यादा अच्छी लगती है मुझे। तो अगर बात करें, अगर जैसे रोहित शर्मा से पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा था कि देखो छह के जो छह बॉलर है, छह के छह अच्छे बॉलर है, ठीक है ना। अगर कंपेरिजन अगर बात करो, इंडियन टीम की बॉलिंग भी काफी अच्छी है, पाकिस्तान की काफी अच्छी है, पर अगर आपको एक बॉलिंग चूज करनी है, आप किसकी चूज करोगे फास्ट बॉलर? देखिए फिर बहुत मुश्किल होगा, बट आई थिंक आई वुड से 55% दूंगा मैं पाकिस्तान को, क्योंकि थोड़ा सा पेस ज्यादा है। बाकी मुझे लगता है 19-20 का फर्क है, वो भी मुश्किल से, अदरवाइज मैं 50-50 भी दूं तब भी चलेगा, बिकॉज हम इंडिया की बॉलिंग को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। कर रहे हैं वैसे, हम कर रहे हैं, पर करना नहीं चाहिए। आपके अकॉर्डिंग कौन सी बॉलिंग लाइनअप ज्यादा स्ट्रांग लग रही है? स्पिनर्स में आई थिंक कुलदीप यादव एक बहुत बड़े प्लस होंगे इंडिया के, लेकिन फास्ट बॉलिंग की बात करें तो आई थिंक दोनों की फास्ट बॉलिंग अच्छी है, लेकिन आप चूज करें जी किसकी ज़्यादा अच्छी है बॉलिंग किसकी अच्छी है। अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि किसको आप बैक कर रहे हैं, कौन सी टीम को बैक कर रहे हैं, कौन सी बॉलिंग को बैक कर रहे हैं जी। बिल्कुल, ऐसी और अपडेट्स के लिए जो है क्रिक फैंस को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलेंगे आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। और भाई एक मिनट जय हिंद कर लिया, लेकिन हम पहले आपको बोलना भूल गए, लाइव पे भी हम डिस्कशन करते हैं, तो लाइव पे भी आइए, ठीक है। अब आप बोलिए, तो वापस हम बोलते हैं आपसे, हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।